सोनीपत में सीएम फ्लाइंग और पशुपालन विभाग लगातार अलग अलग पेट शॉप पर छापेमारी कर रहा है, जहां छोटू राम चौक पर मंजीत कर्मचारी द्वारा सरकारी पद पर आसीन होने के साथ अवैध रूप से पेट शॉप भी चल रही थी। जानकारी के मुताबिक मंजीत दोपहर बाद आकर दुकान पर बैठता था। संभालखा के राकशहरा गाँव में सरकारी पशु डिस्पेंसरी में VLDA की पोस्ट पर कार्यरत है। जितेंद्र सहायक के तौर पर दुकान चला रहा था। मौके पर पेट शॉप का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है, प्रैक्टिस के मान्यता प्राप्त दस्तावेज नहीं मिले हैं, वही नहीं तो रूप से कार्रवाई के दौरान मौके पर दवाइयों को भी किया गया है। कोई भी पेट शॉप चलाने को लेकर हरियाणा वेटनरी काउंसिल से परमिशन लेनी होती है, परमिशन केवल एक पशु चिकित्सक को ही मिल सकती। आइए सुनते हैं डॉक्टर जगदीश वेटनरी डॉक्टर और जितेंद्र दुकान चलाने वाला सहायक, उनका आज के इस मामले पर क्या कहना है। लाइसेंस तो कोई है नहीं, अवैध है सर। हाँ अवैध है, ये कह सकते हैं सर, एक सरकारी कर्मचारी चला रहे थे अवैध। वो एक दूसरा इशू है, पर पेट शॉप चलाने के जो लाइसेंस होता है वो इनके पास नहीं है। थैंक यू। एक बार नाम और पद बताएं सर। मैं डॉक्टर जगदीश वेटनरी सर्जन, गवर्नमेंट मोबाइल वैन। कौन कौन लोग हैं सर टीम में? टीम में मैं डॉक्टर जगदीश कुमार, डॉक्टर जितेंद्र वशिष्ठ हैं और डॉक्टर विक्रम मलिक हैं और CM फ्लाइंग से SI सुनील और HC राजेश। सर आज जो है किस दुकान छापेमारी की गई है सर, और क्या क्या बरामद हुआ? आज यहाँ छोटराम चौक पे सूर्या पेट फ्रेंड नाम से एक पेट शॉप है, वहाँ पे CM फ्लाइंग की टीम और हमारी पशुपालन विभाग की टीम ने कार्रवाई की है और मौके पर दवाइयाँ और वैक्सीन भी है और कोई लाइसेंस वगैरह नहीं दिखा पाई है, कोई इनके पास ना कोई परमिट है और दवाइयाँ जो है वो जब्त कर ली गई है। कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, ये सर्जरी भी करते हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे एक हरियाणा वेटनरी काउंसिल से डॉक्टर दीपक मलिक का एक सर्टिफिकेट मिला है, उनसे पूछने पर बात की तो वो ये कहते हैं कि मैं तो मतलब यहाँ आता है मतलब आज नहीं आ पाऊँगा। और जो यहाँ पे कर्मचारी मिला उससे उसने बताया कि डॉक्टर साहब तो मतलब कि साल में दो बार ही आए हैं। मंजीत बता रहे हैं सर, कोई जो डिस्पेंसरी में VLDA पद पर है? हाँ वह यहाँ पे जो इलाज करता है डॉक्टर मंजीत मतलब VLDA पद पे है और वो गवर्नमेंट जॉब में भी है और उसकी वो चलाता है पेट शॉप को। क्या कार्रवाई होगी सर? FIR दर्ज कराएंगे, देखते हैं क्या होता है। यहाँ मौके पर सहायक के तौर पर कौन यहाँ पर? जितेंद्र नाम का लड़का है। क्या काम करते थे और किस लिए आप यहाँ पर बैठते हैं? तो साफ सफाई और ये टॉय वगैरह बेचता हूँ बस। क्या नाम आपका? आप इलाज करते हो यहाँ? नहीं। तो यहाँ पर ये जो मिले हैं जो इलाज करने के इंस्ट्रूमेंट हैं, तो ये कौन करता था? ये 3 बजे के बाद आते हैं डॉक्टर, वो करते हैं। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर मंजीत दीपक मलिक। तो कहाँ रहते हैं, कहाँ जॉब करते हैं? वो तो सोनीपत में रहते हैं। नौकरी कहाँ करते हैं? किस पोस्ट में है उधर? आप यहाँ से कब से काम कर रहे हैं? मुझे 1 साल 2 महीने हुए। बीच में जैसे कोई डॉग आता है या उसका इलाज कौन कहीं बाहर से कराते हो या? नहीं, श्याम को आते हैं, फिर उनको बोल देते हैं इससे हमको आना 3 बजे के बाद। तो यहाँ आपका मुख्य रूप से क्या काम रहता था? आने के बाद साफ सफाई और फिर दिन में टॉय वगैरह और पेडिग्री वगैरह। क्या नाम आपका? जितेंद्र। कब से काम कर रहे हो? 1 साल 2 महीने। कौन से गांव से हो?